पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मालूम नहीं कैसे कैसे मरीज आते हैं, कैसे कैसे इंजेक्शन देते हैं, वो वैसे ही डाल देते हैं। जो हॉस्पिटल की गंदगी है वो टपक रही है। कचरा हटाओ, कचरा हटाओ, तो वो कचरा उधर ही पड़ा हुआ है। कंप्लेंट करते हैं लेकिन उनको असर ही नहीं होता। इंजेक्शन वगैरह ये तो इतना डेंजर है कि अगर ये किसी बच्चे के हाथ में खुदा ना खास्ता लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। गुलकुस के बाटली प्राइम हॉस्पिटल के कुछ लोग आए हैं। क्या है इसके भाई? इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के रशीद कंपाउंड में और आपको बता दें कि फातिमा कैस्टल नामक ये इमारत है, सोसाइटी है। इसके ठीक सामने ही आप देखेंगे कि प्राइम हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको बताएंगे कि जो फातिमा कैस्टल सोसाइटी है इसके ठीक सामने ही यहाँ जो प्राइम हॉस्पिटल है, यहाँ से जो इंजेक्शन की छोटी छोटी शीशी हैं और ग्लव्स हैं, इंजेक्शन वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर बॉटल में भर गोनी में भर के यहाँ पर सामने ही रख दिया गया है। ये कई दिनों से इसी तरह से ऐसे रखा हुआ है। जो सोसाइटी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये रास्ता है और यहीं से जो है बच्चों का आना जाना होता है, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा इसमें गोनी में हाथ डाल दे या उसको फिर इंजेक्शन वगैरह जो इसमें है नीडल्स वगैरह वो अगर लग जाती हैं तो गंभीर बीमारी जो है हो सकती है। यहाँ से जो देखेंगे किस तरह से इंजेक्शन की बोतल वगैरह यहाँ पर सब पड़ी हुई हैं और कई बार जो है सोसाइटी के लोगों ने प्राइम हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट हैं उनको इसके बारे में शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये हटाया नहीं जा रहा है। ये प्राइम हॉस्पिटल का पीछे का हिस्सा है, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इसके खिलाफ़ हैं, बता रहे हैं कि हमने इसके बाद लिए जो है प्राइम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से शिकायत भी की लेकिन नहीं कोई सुना जाता है। शायद यहाँ पर देखेंगे आपकी ये कुछ बाथरूम वगैरह है यहाँ पर प्राइम हॉस्पिटल का, और यहाँ से देखेंगे ग्लव्स, ये खिड़की के रास्ते से ग्लव्स जो है यहाँ पर फेंका जाता है। ये देखेंगे आप दो ग्लव्स जो है यहाँ पर भी ज़मीन पर भी गिरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक लापरवाही है और इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शन और इंजेक्शन की शीशी और ग्लव्स ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर जो है सोसाइटी के ठीक सामने ही फेंक दिया जा रहा है और तमाम सोसाइटी के लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी जता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है खाला आपका? जी खैरुन्निसा शेख। इसके बारे में आप लोग कभी कुछ शिकायत वगैरह की? जी बहुत बार की हूँ, बहुत। मेरा घर सामने ही पड़ता है, घर में मच्छर में बैठा नहीं जाता और बास तो इतनी गंदी बास रहती है, बर्दाश्त नहीं है तो दरवाजे के पास आने को भी। बहुत बार बोली उन लोग को, हॉस्पिटल वाले भी दरवाज़ा खुला रखते हैं, वहीं पेशेंट को सुला के रखते हैं, और उन लोग को सबसे बोली हूँ कि कचरा हटाओ, कचरा हटाओ, तो वो कचरा उधर ही पड़ा हुआ है। पानी में गिल्ला होता है, वो एसी का पानी भी गिरते रहता है, गिल्ला होता है, सूखता है और गंदगी सब हम लोग के घर पे। सबसे खतरनाक जी तो वो है जो जी और हाँ सब उन लोग के गुलकुस के बाटली वो ये सब इधर ही सामने ही पड़ा रहता है सब। ये लापरवाही है ना, जी बच्चे यहाँ पर आके खेलते हैं, अगर कुछ हो गया जिम्मेदार कौन होगा? जी बराबर। फिर इन्फेक्शन हो गया, गलत इन्फेक्शन हो गया, मालूम नहीं कैसे कैसे मरीज आते हैं, कैसे कैसे इंजेक्शन देते हैं, वो वैसे ही डाल देते हैं, उसमें तो कोई सफाई होती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये स्ट्रेचर भी रखा है, कैसे कैसे मरीज, रोज तो धुलता नहीं है वो। इसके लिए मिलने का मतलब जरा सफाई रखेंगे, हटा देंगे तो अच्छा रहेगा ना। और भी यहाँ पर लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। अच्छा, इसी में रहते? इसी में रहते। ये सोसाइटी के लोग कभी कंप्लेंट नहीं किए क्या प्राइम हॉस्पिटल में? कंप्लेंट बहुत किए, कंप्लेंट बहुत करते, कंप्लेंट करते हैं लेकिन उनको असर ही नहीं होता। प्राइम हॉस्पिटल के कुछ लोग आए हैं, क्या नाम है भाई आपका? अखिल। अखिल, ये यहाँ पर इस तरह से रखा गया है, इस्तेमाल किया हुआ चीज़ अरे खतरनाक साबित हो रहा है। सर से बात अरे हम लोग तो कौन है सर, क्या नाम है सर का? क्या काम करते हैं? वार्ड बॉय। वार्ड बॉय ला के रखता कौन? वो काला लोग। काला लोग क्या है इसके अंदर? रुको मैं बेचता हूँ सब। पता ठीक है, जल्दी भेज।
ये देखेंगे प्राइम हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय हैं वो अभी आए थे। ये काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि देखेंगे नीचे भी सब गिरा हुआ है और गोली प्लास्टिक की जो रखी हुई है थैलियाँ इसमें सब इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शन वगैरह ग्लव्स वगैरह सब ऐसा भरा हुआ है। इसमें अगर कोई भी बच्चा ऐसे कभी गिर जाए या टच हो जाए इसमें खेलते वक्त तो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। सोसाइटी के और भी लोग हैं, तब तक उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हैदर है जी। देखिए हम लोगों ने कई बार उनको कंप्लेंट किया उनका पानी के, हम लोग ये मसले से नहीं, हमने कई बार उनको पानी के और कचरे की वजह से कई बार बोल चुके। ये हमारे सेक्रेटरी साहब है, हम लोगों ने जाके खुद मिलके उनको बताया कि देखिए आपके हॉस्पिटल के एग्जैक्ट पीछे ये पूरी गंदगी है, पानी टपक रहा है, बाथरूम का पानी टपक रहा है, जो हॉस्पिटल के गंदगी है वो टपक रही है। अब हमने अभी कल ही पता चला कि ये इंजेक्शन वगैरह ये तो इतना डेंजर है कि अगर ये किसी बच्चे के हाथ में खुदा ना खास्ता लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन भी इसके ऊपर लाग, स्वास्थ्य विभाग में आप लोगों ने कुछ शिकायत वगैरह नहीं अब तक तो नहीं करी, लेकिन अभी आप लोग जब आ गए तो हम भी सोसाइटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक कंप्लेंट मनपा को कल डाल देंगे। हम कल सुबह हम लिखित में उनको कंप्लेंट दे देंगे अगर उन्होंने नहीं उठाया तो, या उन्होंने साफ सफाई नहीं करी तो। लेकिन है तो बड़ा डेंजर ही। आसिफ अली शेख, आप फातिमा? हाँ, फातिमा कैस्टल का सेक्रेटरी हूँ मैं। मैंने कई टाइम इन लोगों को बोला कि भाई ये कचरा उठाओ यहाँ से, काफ़ी कचरा डालते हैं ये लोग, ये स्ट्रेचर भी आप देख रहे हैं डालते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने बताया है, मैं लिखित में प्रभाग समिति में जाके स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग में जाके दूंगा लिखित, तो इंशाल्लाह देखें। अभी ये हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, सोसाइटी के गेट के सामने है। हाँ बिल्कुल, बच्चे भी देखे हम लोग यहीं पर खेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कोई बच्चा उधर चला गया तो वही मेरे अभी लग गई अगर। हाँ तो अभी देखिए वो हॉस्पिटल के जिम्मेदार आ रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए आप, वो क्या बताते हैं। ठीक है, दो वार्ड बॉय आए थे, ये प्राइम हॉस्पिटल का पीछे के तरफ का एरिया है। देखेंगे काफ़ी जो है यहाँ पर गंदगी है, एक यहाँ पर बेड भी पड़ा हुआ है और यहाँ से सोसाइटी के सामने ही जो गेट है, देखेंगे फातिमा कैस्टल हाउसिंग सोसाइटी है, इसके सामने ही यहाँ पर इस तरह से ये सब नीडल्स वगैरह इंजेक्शन की बोतलें सब प्लास्टिक गोनी में भरकर यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी गंदगी है यहाँ पर, वहाँ पर वहाँ का भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ भी खिड़की के रास्ते से ग्लव्स वगैरह फेंके जाते हैं। ये जो है 4 से 5 मंजिला इमारत है सोसाइटी फातिमा, और यहाँ के जो तमाम लोग रहने वाले हैं ये इस पर एतराज़ जता रहे हैं कि जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से, प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से, यहाँ पर ये इस्तेमाल किया हुआ नीडल्स वगैरह ग्लव्स ला के रखा जा रहा है। अगर किसी भी बच्चे को नीडल्स वगैरह लग जाती हैं तो काफ़ी ख़तरनाक जो है साबित हो सकता है।